गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, अनम्यूट योर सेल्फ फर्स्टली, आई एम नॉट एबल टू हियर एनी ऑफ यू। यस, सेक्शन बी, सेक्शन डी, जी, सी, अनम्यूट योर सेल्फ, अनम्यूट योर सेल्फ। यस, जी एंड सी सेक्शन, बी सेक्शन, अनम्यूट योर सेल्फ। बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। पहले जी सेक्शन, सॉरी बी सेक्शन, अपने आप को अनम्यूट करो। ओके, सो यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, सेटल डाउन फास्ट बेटा, जल्दी जल्दी सेटल हो जाओ। वी हैव टू स्टार्ट क्लास ऑल्सो, सेटल डाउन फास्ट। ए सेक्शन, सो प्लीज समवन प्लीज कन्वे टू सेक्शन ए टू ज्वाइन स्टूडियो वन, दे हैव ज्वाइन स्टूडियो थ्री। सो फ्रॉम क्लास सेवंथ बी में से एक बच्चा फटाफट सेवंथ ए में जाए और उनको बोले स्टूडियो वन ज्वाइन करे, दे हैव ज्वाइन स्टूडियो थ्री। वहां पर सिक्स क्लास की क्लास लग रही है बेटा। सेवंथ बी फर्स्ट बेंच मिडल रो, बेटा आप उठो। सेवंथ बी मिडल रो फर्स्ट बेंच बॉय, हाँ जो पीला बैठा है, बेटा उठो। बेटा सेवंथ ए में जाओ और उनको बोलो स्टूडियो वन को ज्वाइन करे, ठीक है? स्टूडियो वन की जो मीटिंग है उसको ज्वाइन करे, उन्होंने स्टूडियो बी करना हुआ है। ओके, सो नाउ एवरीवन सेटल डाउन फास्ट, सब आराम से बैठ जाओ, कोई आगे पीछे नहीं देखेगा किसी के। मुझे डेस्क पे कॉपी अभी से खुली हुई नहीं नजर आनी चाहिए, सबके पेन क्लोज, नोटबुक क्लोज, किसी ने यहाँ बैठ के अपना किसी और सब्जेक्ट का काम नहीं करना। सबसे पहले मुझे किसी के डेस्क पे कोई भी नोटबुक खुली नहीं नजर आनी चाहिए, अदरवाइज आई विल टेक स्क्रीनशॉट एंड शेयर विद योर प्रिंसिपल विद क्लास। ओके, सो आई कैन सी स्टिल सम नोटबुक्स आर ओपन एंड सम मेनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग समथिंग, सो स्टूडेंट्स शैल आई टेक योर स्क्रीनशॉट एंड शेयर विद योर प्रिंसिपल? यस, बेटा क्लास लग रही है ना, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर क्लास, ठीक है? ये होमवर्क जो आपका पेंडिंग है या कुछ है वो अपने घर पे करो या लेटर ऑन करो, डोंट डू इन दिस क्लास। ओके, मेरे पास बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, आई कैन सी ईच एंड एवरी स्टूडेंट वेरी क्लियरली एंड व्हाट दे आर राइटिंग। सेवंथ बी, यस, सबके नोटबुक बंद होनी चाहिए। सेवंथ जी, बेटा बंद करो अपनी नोटबुक्स, मुझे दिख रहा है। यस, जो खिड़की के पास वाली रो है बंद करो। सेवंथ सी मिडिल रो, यस बंद करो बेटा अपनी नोटबुक्स, सब नोटबुक नोटबुक बंद करो अभी, पहले सबको सबकी नोटबुक अभी बंद होनी चाहिए जब तक मैं नहीं बोलूं। यस, ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे दो भी, होमवर्क कंप्लीट करने पे नहीं, ठीक है? सबकी नोटबुक बंद होनी चाहिए। सेवन बी बेटा, जो भी गए थे बोलने उनकी भी नोटबुक बंद करो, जो भी सेवन ए में गया था बच्चा, सेवन बी का वर्चुअल मिडिल। नोटबुक यस बेटा, वर्चुअल नोटबुक यस, आपकी ये वाली नोटबुक अपने डेस्क पे रखो लेकिन अभी बंद रखो, ठीक है? व्हेन आई आस्क देन यू कैन ओपन इट, ठीक है? अपने डेस्क पे रखो अभी वाली जो आपकी नोटबुक है विद पेन, बट डोंट ओपन इट एंड डोंट राइट एनीथिंग बिकॉज आई हैव नॉट आस्क यू टू डू एनीथिंग, है ना? अभी तक किसी को मैंने कुछ कहा नहीं करने को। सो फर्स्टली सबने क्या करना है, क्या करना है? रब योर हैंड्स, सबने फटाफट रब योर हैंड्स क्विकली। देखते हैं कौन सी क्लास फटाफट कर रही है, चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सी क्लास? सेवंथ जी तो बहुत एनर्जी में लग रही है मुझे, है
बहुत जल्दी जल्दी कर रही है, बाकी सब भी स्टार्ट हो गए। सेवंथ है, यस सेवंथ है, सेवन सी ई बी डी, दैट्स गुड। हाथ गर्म हो गए सबके? चलो फटाफट आईज क्लोज करो और उस पे रख दो। यस अब हटा लो, अब हटा लो, आंखों को मिल गया रिलीफ। ठीक है, नाउ टेक अ डीप ब्रीथ फॉर 3 टाइम्स। चलो फटाफट डीप ब्रीथ करो। वन इनहेल, सांस अंदर लो। मेरी तरह ऐसे हाथ ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको बता रही हूँ। डोंट डू दिस, ओके? इनहेल, सांस अंदर लो। अब छोड़ो, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। सो अब आपके पास 6 अमाउंट की ऑक्सीजन भी आ चुकी है आपके ब्रेन। सो नाउ वी कैन कॉन्सेंट्रेट मोर। ठीक है, सो नाउ लेट्स फोकस। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा, दैट इज बेसिकली सारे जो आपने साइंस में पढ़ा है उसका थोड़ा 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 पार्ट है। तो हम जो आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, जो हम आज से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितना पहले वाला रिकॉल है, डिपेंडिंग अपॉन दैट। ठीक है, उससे वो कनेक्ट होएगा। ठीक है, सो सबसे पहले मुझे ये बताओ, जनरल है, जनरल चीजें पूछूंगी, सबकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ठीक है, जिस क्लास से ज्यादा पार्टिसिपेशन आएगी, ज्यादा आंसर आएंगे, ठीक है, उसको हम लास्ट में विनर ऑफ डे कहेंगे। ठीक है, वो क्लास विनर ऑफ द डे हो जाएगी। सो लेट्स सी। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज केमिस्ट्री। सेवंथ बी, यस आ जाइए बेटा, आई कैन सी दैट, दैट्स गुड। What is biology Are and branches of science. Biology is the study of human body and the chemistry is the study of natural occurring substances. what's your name बेटा? I'm Jinisha Wagga, 7th B. That's good, that's good. So basically chemistry and biology. Biology means, bio means what? Living. Logy means study. ठीक है, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से है, कौन कौन मुझे एग्जाम्पल दे सकता है? रेज योर हैंड, कौन सी क्लास मुझे एग्जाम्पल देगी? अभी मुझे सेवंथ बी से एक बच्चा मिला है सिर्फ, सेवंथ जी, यस आ जाओ बेटा, सेवन जी से आ जाओ बेटे, आ जाओ। सेवन ह्यूमन प्लांट जी से कौन बोला? सेवंथ जी, यस सेवन सेवंथ से बोला ए से बोले। क्या बेटा, क्या नाम, क्या एग्जाम्पल बताया? ह्यूमन होगी प्लांट और क्या होगा? एनिमल्स एनिमल्स एंड सम बैक्टीरिया माइक्रो बैक्टीरिया, ओनली सम बैक्टीरिया, बाकी बैक्टीरिया डेड। ऑर्गेनिज्म एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म, दैट्स गुड। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हमने लिखना हो, सो वी कैन राइट कौन कौन होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स? लाइक यू ऑल सेड ह्यूमंस, सबसे पहले हम अपनी बात कर लेते हैं, वी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना? देन हमारे आसपास कौन रहते हैं? एनिमल्स रहते हैं, और कौन रहते हैं? बर्ड्स रहते, सॉरी प्लांट्स रहते हैं, देन माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वी कांट सी बट वी नो दे आर देयर। कोई मुझे बता सकता है कैसे हमें पता लगेगा ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग अराउंड अस? कौन बता सकता है हमें कैसे कंफर्म होगा? यस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग अराउंड अस और विद अस। कोई एग्जांपल दे सकता है? यस कोई एग्जांपल दे सकता है? ओके मैं पूछती हूँ, सेवंथ इज अ जसकिरत कौर, जसकिरत है सेवंथ है जसकिरत, यस बेटा, कैसे हमें पता लगेगा? हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट हाउ, हाउ वी कैन से सो कॉन्फिडेंटली कि यस लिविंग ऑर्गेनिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे चारों तरफ रह रहे हैं या फिर हम कहें हमारे साथ रह रहे हैं? कोई एग्जाम्पल, कोई कभी देखा हो लिविंग ऑर्गेनिज्म या यूज किया हो? यस कोई कोई भी, किसी का भी नाम दे दो जो आपको आता है। इसमें लगी 7G सेवन से बोलो जसकिरत, ब्रीथिंग ब्रीदिंग
ब्रीथिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है? कौन नो सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आप कहीं यूज करते हो या किसी को उस चीज से बीमारी हो जाती है, कोई भी। वंश कम फॉरवर्ड, वंश इज प्रेजेंट। ओके, मेरी क्लास में जिसके पास माइक है, जिस क्लास में जिस बच्चे के सामने माइक है, दैट पर्सन इज अ मॉनिटर ऑफ माई क्लास, क्योंकि वो माइक ऑन करके मुझे बताएगा वो बच्चा, अगर कोई जिसका मैं नाम ले रही हूँ वो एबसेंट है या नहीं है। ठीक है, दैट इज दैट स्टूडेंट्स ड्यूटी। तो 7th A में वंश है या नहीं है जिसके पास माइक? तो वंश, बैक्टीरिया आप बता सकते हो किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम, किसी, कोई भी? बैक्टीरिया। विच बैक्टीरिया? कोरोना को वायरस बोलते हो, बैक्टीरिया कैसे रह गया? यस, कोरोना वायरस इज एन एग्जांपल, दैट्स गुड। कोरोना वायरस मुझे दिखता नहीं था ना, वी कुड नॉट सी कोरोना वायरस। हमारे अंदर होता तो सभी को दिख जाता था, सभी भाग जाते थे, है ना? सो दैट्स राइट। सिट डाउन बेटा वंश, सिट डाउन। एग्जांपल इज कोरोना वायरस आल्सो, दैट वाज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही था, दिखता नहीं था, लेकिन जब होता तो सभी भाग जाते थे। भागते थे, नहीं भागते थे, उस पर्सन के तो पास ही नहीं आते थे जिसको कोरोना हो गया, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। ठीक है, वो हो गया। अब ये तो हो गया खतरनाक वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं। केक किस किस को पसंद है? हैंड रेज करो। केक, केक कौन कौन खाता है? हम यीस्ट इज यूज्ड इन केक्स तो फिर बताओ अब फायदा है या नहीं है? ईस्ट नहीं होगा तो आपको केक इतना स्पॉन्जी स्पॉन्जी कैसे मिलेगा? आजकल ऑल दो वी हैव ऑल्टरनेटिव, लेकिन मेजरली वी यूज फॉर द यू नो स्पॉन्जीनेस, फॉर द टेक्सचर वी यूज ईस्ट। ठीक है, अब डोसा कौन कौन खाता है? हैंड रेस करो। डोसा, डोसा कम बच्चे खाते हैं डोसा। इडली, इडली में थोड़े हैंड रेज और हो गए। चलो एक फेवरेट पूछ लेती हूँ, वो तो सभी का होगा, भटूरा। बहुतों के हाथ खड़े हो गए, है ना? दैट्स गुड। अब उनको बनाने के लिए भी ईस्ट यूज होता है, तो देखो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने सारे फायदे। सो जब हम कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, तो हमें पता होना चाहिए हम किसका नाम ले रहे हैं, ऐसे थोड़े ना उठा के किसी को ही बोल देंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई आस्क यू। सो दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड बायोलॉजी। ओके, नाउ केमिस्ट्री। नेक्स्ट आई आस्क यू अबाउट द केमिस्ट्री, एंड दैट जनिशा जनिशा बग्गा फ्रॉम 7th B हैज गिवन आंसर। सो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ व्हाट, व्हाट एवर हैपनिंग, लाइक केमिकल्स बेटा 7th A केमिकल्स। केमिकल्स ठीक है, मतलब जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, बॉन्डिंग हो रही है, व्हाट एवर, सो दैट इज ऑल केमिस्ट्री। ठीक है, उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं, इट्स ऑल्सो ब्रांच ऑफ साइंस ओनली। तो इसमें हम जो है स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ठीक है, दैट यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। नाउ व्हेन वी कंबाइन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, क्या हम इसे, पहली बात तो जो मैं बोलने लगी हूँ, क्या हम इसे कंबाइन कर सकते हैं? कैन वी मैम कंबाइन? बायोकेमिस्ट्री यस, फ्रॉम 7th B बेटा, व्हाट्स योर नेम? स्मृति। स्मृति यस, स्मृति इज राइट। सो व्हेन वी क्लब, वी आर कंबाइनिंग बायोलॉजी विद केमिस्ट्री, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? वी आर गोइंग टू गेट बायोकेमिस्ट्री, एंड दिस बायोकेमिस्ट्री इज हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी। अब आप सोचो ये कैसे हो रहा है, हमारे अंदर बायोकेमिस्ट्री चल रही है, सच्ची में चल रही है अभी रेस्पिरेशन मेरे अंदर। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, वट एवर द फिजियोलॉजिकल, यू नो, वट एवर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस दैट इज हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी, इट्स बायोकेमिस्ट्री ओनली। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री हो रही है हमारे अंदर,
क्योंकि हम बायो तो है ही, लिविंग तो है ही, साथ में अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, सो दैट इज बायोकेमिस्ट्री ओनली। ठीक है, अब इससे आ जाते हैं, जब कोई चीज रिएक्शन देती है, कोई चीज कंबाइन करती है, सपोज कर लो आपकी क्लास में से मैं उठा लेती हूँ सेवंथ बी में से निहारिका और राजवी, ठीक है, निहारिका और राजवी सेवंथ बी से खड़े हो जाओ, ठीक है, निहारिका एंड राजवी, और एक सेवंथ सी से जन्नत और प्रभवीर, सेवंथ सी से जन्नत और प्रभवीर, बेटा आगे आ जाओ दोनों। अब सपोज कर लेते हैं सेवंथ बी जो है उसमें जो मैंने निहारिका और राजवीर को बोला, किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, ठीक है, और एक मैंने बोला सेवन सी से जन्नत, प्रेजेंट है ना ये दोनों दोनों क्लास के, ठीक है, जन्नत और प्रभवीर को प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, ठीक है, इनको मैंने एक काम दे दिया कि तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है। अब देखो डिपेंड करता है ये दोनों की टीम और ये दोनों की टीम कैसे काम करती है, कैसे मतलब क्या निहारिका और राजवीर एक दूसरे को हेल्प करते हैं प्रोजेक्ट करने में, या वो सोचते हैं नहीं मुझे ज्यादा आता है मैं नहीं बताऊंगा इसको या मैं नहीं बताऊंगी इसको, तो क्या होगा इस केस में, क्या होगा अगर निहारिका कह देती है मैंने राजवीर को ना मुझे सीक्रेट पता है कि इस प्रोजेक्ट को कैसे अच्छे से कर सकते हैं लेकिन मैं इसको नहीं बताऊंगी, क्या होगा, क्या वो प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा, नो नहीं बनेगा, है ना, यहाँ नहीं बनेगा। अब सेवन सी में आ जाते हैं जन्नत और प्रवीर वाले केस में, प्रवीर और जन्नत कहते हैं हमको पता है कि हम इस प्रोजेक्ट को कैसे बेस्ट बना सकते हैं और हम एक दूसरे को बताते हैं, हम इससे जो है और अच्छा कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अब इनका जो आउटकम होगा प्रोजेक्ट जो बनेगा कैसा बनेगा, अच्छा बनेगा या गलत बनेगा, यस बताओ, अच्छा है ना, अच्छा बनेगा। अब इस चीज को यहां पर क्यों बताया गया, जब दो चीजें, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, ठीक है, अब जब दो चीजें अच्छे तरह यू नो इन द बेस्ट वे वर्क करती है तब हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, अब जो दो चीजें ठीक है सही तरह वर्क नहीं करती है, एक साथ काम नहीं करती है, उसका प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, ठीक है, सो लेट्स सी हियर, ठीक है, उसका प्रोडक्ट अलग होता है। अब दोनों चीज में प्रोडक्ट बना है, दोनों चीज में निहारिका और राजवीर और जन्नत और प्रवीर दोनों में प्रोडक्ट्स बने हैं, बट देयर प्रोडक्ट्स वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन देयर पार्टिसिपेशन, डिपेंडिंग अपॉन देयर इंट्रैक्शन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑफ द एनर्जी दे हैव पुट और वी कैन से गिवन। अब आ जाता है एनर्जी, जो मैंने लास्ट में बोला कि कितनी उन्होंने एनर्जी लगाई है दोनों ने, ठीक है, अब क्योंकि निहारिका और राजवीर आपस में जो है इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, पॉजिटिवली वर्क नहीं कर रहे थे, एज्यूम कर रहे हैं असली में ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं वो नहीं कर रहे थे, उनका प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा था, हम उनको पुश कर रहे हैं, नहीं बाकी क्लास के बच्चे जो है वो कह रहे हैं तुम करो हमारी क्लास फर्स्ट आनी चाहिए सेवन बी के, है ना, अब वो एनर्जी दे रहे उन्हें कि तुम करो काम करो हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है तुम करो ये प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है ये बनेगा, हमने जो साइंस का जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं हमारी क्लास विन होनी चाहिए। अब सेवन सी में उसका ऑपोजिट हो रहा है, वो दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उनकी क्लास जो है उनको उससे पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि हमारी क्लास को जीतेगी जीतेगी क्योंकि इन दोनों ने बहुत सुंदर सा बनाया है। अब यहाँ पर दोनों में देखो सेवंथ बी में बाकी के सारे बच्चे उनको एनर्जी दे रहे हैं कि तुम काम करो, ठीक है तुम काम नहीं कर रहे, सेवंथ सी में उल्टा हो रहा है, उनसे एनर्जी जो है अच्छी एनर्जी बाकी स्टूडेंट्स को मिल रही है कि यस दे आर गोइंग टू विन दिस प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या हो रहा है, एक में एनर्जी जा रही है एक में एनर्जी आ रही है, तो जहां एनर्जी आप दे रहे हो ठीक है रिएक्शन को होने के लिए उसको क्या कहते हैं बेटा,
जहां पर आप एनर्जी दे रहे हो, लगा रहे हो। इट इज कॉल्ड व्हाट? जा रही है ना एनर्जी, इट इज एंडो। और जहां से निकल रही है दैट इज एक्सो। एंडो एंड एक्सो, एंडो मीन्स अंदर जाना, एक्सो मतलब बाहर आना, रिलीज होना। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन मोर वे। नाउ बेस्ड ऑन एनर्जी और हीट इज रिलीजिंग और कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। अब मुझे कौन बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक फ्रॉम क्लास 7D? सो जान आई थिंक तानवीर, वीरकम, तानवीर और जानवीर, आई थिंक जानवीर, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। 7D जानवीर एंड सेकंड इज तनवीर, सेकंड इज तनवीर। यस बेटा आ जाओ। तो अब आप दोनों सोच के मुझे बताओ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। मैम, दे आर फोर्सेस. दे आर फोर्सेस। अच्छा, और अच्छा इसका मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या है और एक्सोथर्मिक का क्या मतलब? एंडोथर्मिक अंदर वाले फोर्सेस, एक्सोथर्मिक बाहर वाले फोर्सेस. ठीक है, आपको समझ आ गया, दैट्स रियली गुड। एंडो मीन्स अंदर जा रहा है, एक्सो मतलब बाहर जा रहा है, दैट्स गुड। सिट डाउन, आप ही के साथ जो जानवीर है, जानवीर बेटा आप बताओ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक से आपको क्या समझ आया? अभी हमने थोड़ा थोड़ा सा किया है, ओवरव्यू लिया है इसका। एंडो क्या होता है? एंडो, यहाँ पर ये जो वर्ड लगा है एंडो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म एंडो? अंदर बेटा मुझे तो सुनाई दे रहा है जो पीछे से आंसर बता रहा है, मेरी तो स्क्रीन पूरी चमक जाती है जब कोई और क्लास का बच्चा बोलता है। बोलो जाते आता है? नहीं आता बेटा, नहीं मम्मी. आता। अच्छा एंडो क्या लग रहा है, किससे जु मतलब मिलता जुलता लग रहा है वर्ड एंडो? आ जाओ एंड आ जाओ, एंडो अंदर आ जाओ, कुछ ऐसा लग रहा है साइनिंग यस. बन रहा है ना? चलो यस बैठो, 7th से पारुल आ जाए, 7th पारुल, 7th पारुल। यस बेटा अब आप बताओ जरा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या है? एनर्जी यस, एंडोथर्मिक में हम बाहर से दे रहे हैं, है ना? एक्सोथर्मिक में हाँ मैम ले रहे हैं एनर्जी. हमें एनर्जी मिल रही है, बाहर निकल रही है। अब बैठ जाओ, दैट्स प्रिटी, मतलब हम कह सकते हैं जो भी हमने समझा उसके बेसिस पे आपने बताया। एंडो मतलब क्या हो गया? कंज्यूम, यूज हो रही है। एक्सो मतलब रिलीज हो रही है। अब हो क्या रही है रिलीज? अब दोनों में क्या चीज कॉमन है? व्हाट इज कॉमन इन एंडो और एक्सो? हु कैन टेल मी व्हाट इज कॉमन इन एक्सो एंड एंडो? थर्मिक, एनर्जी थर्मिक, दिस वर्ड इज कॉमन, थर्मिक। थर्मिक. एंड नाउ मीनिंग ऑफ द थर्मिक इज वर्ड, इट्स हीट, हीट। नाउ इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज कंज्यूम्ड, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज रिलीजिंग। ठीक है, अगर आप जो है लकड़ी जला रहे हो
आपको जो हीट मिल रही है, कैसे मिल रही है, क्योंकि लकड़ी बर्न होने पे हीट दे रही है बाहर को, तो दैट इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गॉट इट। एंडोथर्मिक क्या होता है, आप बाहर से नहीं, आप जो है वो हीट जो है वो क्या हो रहा है, वो आप बाहर से ले रहे, ठीक है। आपको जो है आपको यूज, अब जैसे कुछ बन रहा है, सपोज कर लो हमने खाना गर्म कर रहा है, तो हम खाने को हीट दे रहे हैं कि वो गर्म होए, अपने आप से वो नहीं हो रहा कि हमने रखे रखा है वो गर्म हो रहा है, नो, ठीक है। फूड जो है कुक होएगा कब होएगा, व्हेन इट गेट हीट फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। सो दैट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बताओ किस किस को समझ आया, रेज योर हैंड्स, व्हाट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, बिकॉज इट इज गोइंग टू यू नो, यस, मेरे ख्याल से सभी का, हाँ, सभी के हैंड्स रेज है, सेटल डाउन, सो हैंड्स डाउन, ठीक है। अगर किसी को बाई चांस बेटा कुछ डाउट लग रहा है इन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, डू आस्क राइट नाउ, बिकॉज इससे रिलेटेड बेटा आपके जो है आगे चैप्टर जो हम करेंगे उसमें क्वेश्चंस हैं। इफ यू हैव एनी डाउट व्हाट इज एंडोथर्मिक व्हाट इज एक्सोथर्मिक, यू कैन आस्क, एनी डाउट, ओके, नो डाउट। सो दिस इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट रिएक्शंस जो होंगे वो कैसा होगा। अब वो रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसमें कुछ चेंज हो रहा है, मतलब जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या होता है पहले तो ये समझते हैं हम, रिएक्टेंट वर्ड जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। रिएक्टेंट्स क्या होंगे, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम बना रहे हैं केक, ठीक है, केक बनाया, अब केक में क्या क्या चीजें डल रही है, जो रॉ मटेरियल है क्या है, मैदा हो गया, एग्स है, रिएक्ट एग्स करते हैं। हो गए, देन ईस्ट हो गया, मिल्क मिल्क शुगर, सबने रेसिपी बता दी है ना, अब घर जाके बना मत लेना आज तो, कि आज आज हमने बोलो कि स्कूल में जो है आज हमने स्टेम क्लास में केक बनाना सीखा है ना, कि क्या सीख के आए हम, केक बनाना सीख के आए, चलो। तो ये सारे क्या है, रिएक्टेंट्स क्यों बोला मैंने, इंग्रेडिएंट्स क्यों नहीं बोला, बिकॉज मैं बना नहीं रही इनको, आई एम नॉट बेकिंग केक हियर, दीज नॉट प्रोडक्ट्स, दीज सब्सटेंसेस हियर मिक्स टुगेदर, जब हम इन्हें मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ बैटर सा बन जाएगा, एक पेस्ट सा बन जाएगा, और जब हम इसे अवन में डालेंगे, व्हेन वी पुट इन अवन, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, हमें तो कुछ और ऐसा फूला हुआ नजर आएगा, यस और नो। अब मुझे यस ये जो बैटर था, ये जो हमारा मिक्सचर था केक बैटर, क्या ये और ये जो हमारा अभी केक बन के आया है जो कि बेक्ड है, इसका टेक्सचर, इसकी स्मेल, इसका साइज सेम है, नो, नो डिफरेंट है है ना, कंप्लीटली डिफरेंट, और क्या हम इसको वापस इनमें चेंज कर सकते हैं, कैन, ये जो केक है इसको हम क्या इसमें से मैदा एग कर नो सकते हैं, कैन वी डू दैट, नो सो दिस इज अ प्रोडक्ट, ओ, व्हेन वी से केमिकल रिएक्शन बेटा यू शुड नो रिएक्टेंट इज व्हाट, दैट इज ऑन दिस साइड बिफोर कंबाइनिंग, बिफोर रिएक्टिंग, दो सब्सटेंसेस आर रिएक्टेड, ठीक है। अब उन रिएक्टेंट्स का आपस में जब वो मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, व्हाट वी गेट प्रोडक्ट, सो दिस इज जस्ट अ लेमन एग्जांपल, ठीक है, दिस इज अ प्रोडक्ट एंड दिस इज, दीज आर आर रिएक्टेंट्स, ठीक है। और जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट देते हैं, सो दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, और केमिकल प्रोसेस होता है। गॉट दिस, सबको समझ आया, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, यस और नो, यस।
रेज योर हैंड, किसको समझ आया? रेज योर हैंड। ओके, तो सेवंथ ई से मनविंदर सिंह आ जाऊंगा। यस यस बेटा, टेल मी इनमें से रिएक्टेंट कौन सा है जो कि हमने पीछे लिखा है? मैदा, एग, ईस्ट, मिल्क, शुगर, और प्रोडक्ट क्या होगा? दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो और इसमें जो हमारा ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन होता है, इसको क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? दैट्स केमिकल रिएक्शन। रियली गुड। सिट डाउन बेटा, दैट्स रियली गुड। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, मैं नोट पे कर रही बेटा कौन सी क्लास के मुझे आंसर जो है सही आ रहे हैं, ठीक है? आई एम नोटिंग डाउन दैट ऑल्सो। सो एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल टेल हु इज द विनर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज, दिस इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है? जिसमें जो प्रोडक्ट बनाया है इज टोटली इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट्स, ठीक है? रिएक्टेंट से पूरा अलग है हर चीज में, और हम इसको वापस जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते रिएक्टेंट्स में, ठीक है? लेकिन कुछ जो रिएक्शंस होते हैं और या कुछ प्रोसेस जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है? लेट मी शो यू हियर, जस्ट गिव मी अ मिनट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? नाउ आई हैव दिस पेपर, कैन यू सी? इफ आई टियर इट, अगर मैं इसको फाड़ दूँ, आई एम टियरिंग इट, सो व्हाट डू वी कॉल इट? क्या ये कुछ और बन गया? क्या फिजिकल चेंज हो होता गया। है? आई डोंट नो व्हाट इज फिजिकल चेंज, समझाओ मुझे। सेवन थी से, चलो जिसने बोला सेवन थी से आ जाओ, जिसने बोला फिजिकल चेंज हुआ, तो टेल मी व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड व्हाई वी आर कॉलिंग इट फिजिकल चेंज। नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म एंड व्हाट इज दिस? Shall we call it paper only? Pieces of paper? मैम यस Yes, that's why. What's your name, beta? I'm Gulin. Yes, Gurlin from seventh. That's good. So yes, so this is a physical change. इसमें कुछ भी नहीं बना, हमने सिर्फ शेप और साइज जो है वो चेंज किया। मेरे पास ये पेज था, ठीक है? मैंने इसको टियर किया, फाड़ा, एंड व्हाट आई गेट स्मॉल पीसेस ऑफ दिस पेपर। सो हियर शेप साइज गेट चेंज, नथिंग एल्स। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कॉल इट फिजिकल प्रोसेस। और अगर मैं इनको ग्लू से ज्वाइन कर दूं तो मुझे वापस ही पेज मिल जाएगा, ठीक है? तो इट्स मोस्टली फिजिकल प्रोसेस और फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल। और कोई एग्जांपल दे सकता है फिजिकल चेंज का मुझे? कोई और एग्जांपल? रिपीट बेटा। कटिंग मेल्टिंग ऑफ आइस, यस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्यों हमारा फिजिकल प्रोसेस है, कौन बताएगा? रट्टा नहीं लगाना, हमें पता करना है कि हम फिजिकल क्यों कह रहे हैं, क्यों ये केमिकल नहीं है। वाटर से बना है वो फ्रीज हो जाएगा तो आइस में कन्वर्ट होगा और मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स द रीजन, क्योंकि हम क्यों कह रहे हैं उसे फिजिकल, वो पानी है ना? दैट इज वाटर ओनली। अब डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या है। अगर लो टेम्परेचर है, इफ टेम्परेचर इज लो, इफ टेम्परेचर इज रूम टेम्परेचर, और इफ इट्स हाई, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वाटर चेंज इट स्टेट्स। अगर नॉर्मल है इसमें तो इट इज लिक्विड, अगर वो लो टेम्परेचर में है सो इट विल टर्न इनटू आइस, ठीक है? इट बिकम आइस। और अगर वो जो है हाई टेम्परेचर पे है तो इट टर्न इनटू वेपर्स, एंड दीज थ्री स्टेट्स आर इंटर, ये क्या कहते हैं, कन्वर्टिबल, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाती है। सो वाटर इज अमेन वाटर बट इट्स स्टेट गेट्स चेंज, सो इट्स अ फिजिकल, ठीक है? सो दैट्स व्हाई। अब एक छोटा सा एग्जांपल पूछूंगी, आपने फटाफट बताना है कि इसका क्या होगा।
दोनों केस में आई हैव वुड, ध्यान से सुनना है, पहले सुनना है फिर आंसर देना है, उससे पहले नहीं लेना, ठीक है? ठीक अब दोनों केस में हमारे पास लकड़ी है, वी हैव वुड ओनली, ठीक है? इन वन केस, केस वन, कटिंग ऑफ वुड इज हैपनिंग। नाउ इन केस टू, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बर्निंग वुड, ठीक? नाउ फ्रॉम क्लास 7F आरुषि कम फॉरवर्ड। बेटा आपका कैमरा ऑफ है, टर्न ऑन योर कैमरा। 7F यस। सो 7F आरुषि कम फॉरवर्ड एंड राघव, राघव एंड आरुषि। सो राघव यू टेल मी, केस वन, इज इट फिजिकल और केमिकल प्रोसेस और चेंज? इट इज फिजिकल व्हाई इट इज फिजिकल? नो बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मड। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, और इज इट रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल? इट इज नॉट रिवर्सिबल। ओके दैट्स गुड। कमिंग टू आरुषि, आरुषि टेल मी द केस टू, इज इट फिजिकल और केमिकल? केमिकल Why it's chemical? बेटा और किसी ने नहीं बताना, अदरवाइज जो बता रहे हैं उन्हीं से नेक्स्ट जितने क्वेश्चन है वो पूछूंगी फिर। बिकॉज नो no. आरुष अपने आप बताओ बेटा, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, क्या बता सकते हैं कौन सा सब्सटेंस बना है, बना क्या है? तो आंसर तो उन्होंने बता दिया आपको कि केमिकल है, न्यू सब्सटेंस बना है, लेकिन अब वो ये तो नहीं बताया ना उन्होंने कि क्या बना है, तो वहीं पर हम अटक जाएंगे, है ना? सिट डाउन आरुषि एंड राघव ऑल्सो, राघव दैट्स नाइस आंसर। कमिंग टू 7G लवलीन, 7G लवलीन, लवलीन इज प्रेजेंट, जिसके पास माइक है। यस यस लवनी, बेटा टेल मी व्हाई सेकंड केस इज केमिकल प्रोसेस। फिर आवाज नहीं आ रही। अच्छा एक तो आप सब ना माइक उठाया मत करो, कीप इट ऑन डेस्क ओनली, वहां से आवाज आती है, वरना थोड़ी दो तीन डेस्क पीछे से ही बोलोगे तब भी पूरी आवाज आती है। मेरा जो माइक है सेम आपके वाला, और मैंने दूर रखा हुआ है, आई एम नॉट होल्डिंग इट, है ना? मैंने तो ऐसा लेके आपसे बात नहीं करी किसी से, सो यू डोंट हैव टू होल्ड इट, कीप इट ऑन डेस्क, ठीक है? बस उसे टर्न ऑन कर दो, जो कि मैंने मॉनिटर की ड्यूटी दे रखी है, दैट इज मॉनिटर्स ड्यूटी टू टर्न इट ऑन, ठीक है? क्योंकि बार बार उठाने से क्या होता है, वायर हिल जाती है, फिर आवाज नहीं आती। सो यस नाउ ट्राई, खड़े होके आराम से बेटा आवाज आती है, मैं ऐसे थोड़ी ना बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग लाइक दिस ना। सो यस माइक, बेटा आपके वायर पे क्या से आपने उठाई, उसके बाद वो हिल गया, क्योंकि पहले पहले वो चल रहा था। यस ट्राई टू स्पीक अप। यस नो नो नहीं, क्या बोला आपने, न्यू सब्सटेंस फॉर्म,
ओके सो सिट डाउन। अब आ जाता है कि ये जो हम कह रहे हैं सब्सटेंस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, तो यस यहाँ पर हमें दिखता है कि लकड़ी कट के छोटे ओके एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्मड। 7B में से किसने बोला? समृद्धि सो हियर, अच्छा लकड़ी जब जलती है क्या हमें वही लकड़ी मिलती है जलने के बाद? क्या वो वैसे दिखती है? नो ऐश बन जाती है। ऐश बन जाती है, काले रंग की हो जाती है ना, इट टर्न्ड इनटू ऐश। और उसके साथ हम जब वहां बैठे होते हैं हमें आंखों में कुछ कई बार चुभता भी है, धुआं, यस स्मोक। तो हीट, इससे कार्बन डाइऑक्साइड ही स्मोक, निकलती कार्बन डाइऑक्साइड, है, सो हीट निकलती है। सो वुड इज कंप्लीटली टर्न इनटू समथिंग एल्स, उसको हम फिर वुड नहीं कहते, हम उसको लकड़ी नहीं कहते जलने के बाद। सो हियर न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, सो दिस इज अ केमिकल प्रोसेस, और यू कैन से केमिकल चेंज, एंड दिस इज फिजिकल चेंज। सो दैट इज व्हाट आई मेंट टू से, कि अगर हम किसी चीज को फिजिकल और केमिकल चेंज कह रहे हैं, वी शुड बी श्योर क्यों कह रहे हैं, रट्टा नहीं लगाना, वी डोंट हैव टू क्रैम इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट वो, अब मुझे एक चीज बताओ, लास्ट थिंग है इसका, ठीक है, जो हमने अभी वो कर रहे हैं ताकि कल से हम स्टार्ट कर सकें। हम सब सांस ले रहे हैं, ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं? योर ब्रीदिंग, हम सबकी आईज, आई लैशेस जो है बार बार ब्लिंक कर रही है, कर रही है नहीं कर रही है? कर रही है। अब सब अपने हाथ ऐसे उठा लो ऊपर, कौन सा हाथ उठाया? लेफ्ट हैंड उठाया मैंने, लेफ्ट हैंड, राइट नहीं उठाना, चलो नीचे कर लो। अब सब जो राइट उठा लो। अब मुझे बताओ, ये जो हाथ उठाने वाला प्रोसेस था और जो हम सांस ले रहे हैं और आईज ब्लिंक कर रहे हैं, इनमें कोई डिफरेंस है? इज देयर एनी डिफरेंस? 7T से आए हैं, बताओ 7T से बेटा बताओ। कर रहे हैं वो इनवॉलेंट्री एक्शन है, और जो हम हैंड्स अप कर रहे हैं वो वॉलेंट्री एक्शंस हैं। तो दिस इज इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री रिस्पॉन्स, ठीक है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स। अब आपकी क्लास में कई बार कहा जाता है ना कि एक्स वाई जेड जो है एक्टिविटी होनी है, उसके लिए कौन कौन वॉलेंटियर कर रहा है? वॉलेंटियर मतलब अपनी विश से पार्टिसिपेट कर रहा है, अपनी इच्छा से, आप फोर्स नहीं किया जा रहा, और ना ही वो आप अपने आप से ऐसे डेली करते हो। ठीक है, लाइक आपकी क्लास, आपके स्कूल में स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स डे होने वाला है, और वहां पर कुछ मेंबर्स चाहिए जो कि उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करे, एंड मैं आस्क यू कि जो इसमें इंटरेस्टेड है कम फॉरवर्ड एंड वॉलेंटियर हर सेल्फ और हिमसेल्फ। तो आप अपना नाम देते हो, वॉलेंटियर करते हो, पार्टिसिपेट करते हो अपने आप से, सो दैट इज वॉलेंटियर, मतलब जो अपनी इच्छा से कर रहे हो, अपनी विश से कर रहे हो। मैंने जैसे कहा लेफ्ट हैंड उठाओ तो अपने लेफ्ट, मैंने कहा राइट तो अपने राइट, तो दैट इज बाय योर ओन विश। अब इनवॉलेंट्री क्या है? आईज, आई जो आपकी आई से ब्लिंक कर रही है वो आपके अकॉर्डिंग ही कर रही है। हाँ जब हम फोर्स करते हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग करती है, लेकिन हम कॉन्टिन्यूसली ब्लिंक कर रहे हैं तो वो अपने आप से करती है। हम सांस ले रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस कि हाँ मैंने 10 बार सांस ले ली, मैंने 10 बार जो है ब्रीद आउट कर लिया, नहीं, इट इज हैपनिंग इटसेल्फ, आपकी बॉडी खुद कर रही है विदाउट योर विश, आपसे पूछ के नहीं कर रही कि अरे इस टाइम तो मैं अभी 15 मिनट जरा फास्ट ब्रीथ कर लेता हूं, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। सो दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। सो इनवॉलेंट्री मीन्स नॉट इन योर कंट्रोल, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे ब्लिंकिंग, ब्रीदिंग, ब्लड एंड मैनी मोर। होना यस, इनवॉलेंट्री मीन्स इन योर कंट्रोल,
इन योर कंट्रोल, लाइक मूवमेंट ऑफ योर लिम्स. लिम्स क्या होते हैं? हाथ पांव. मूवमेंट ऑफ लिम्स. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ दिस. ओके, सो वी हैव स्टडीड टूडे केमिकल फिजिकल प्रोसेस, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री. नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर रिलेटेड टू दिस टुमारो. ओके, प्लीज टुमारो कम विद योर असाइनमेंट. नाउ यू कैन गो थ्रू योर असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बिफोर द क्लास, क्योंकि इसमें बेटा इसी से रिलेटेड जो है ये टर्म्स यूज किए, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वॉलेंट्री, ये सब. तो इसको एक बार पढ़ना, वी विल डिस्कस इन द क्लास ऑल्सो. ओके, सो नाउ आई थिंक योर टाइम इज ओवर, सो वी विल मीट टुमारो. ओके, सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर. एंड द विनर ऑफ टूडेज क्लास इज 7th E. ओके, 7th E इज द विनर ऑफ टूडेज क्लास. यस 7G बेटा, यस 7G. ओके स्टूडेंट, लेट्स मीट टुमारो. ओके.